आइए आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर की आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें गोरखपुर में एनकाउंटर में बदमाश गौरजीत चौहान जिसको गोली लगी है। गौरजीत चौहान बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मौके से पिस्टल कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब रहा है। बदमाश गौरजीत चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था। बदमाश गौरजीत पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर के गुलरिहा इलाके में गाजीपुर से खबर, जहां पर पुलिस का गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है और गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल भी हुआ है। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर शादियाबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में हुआ है। देर रात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बदमाशों से तमंचा कारतूस और गौमांस बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को धर पकड़ा है। पुलिस टीम उन्हें लेकर जब गौमांस बरामद करने पहुंची तो एक बदमाश ने भागने की कोशिश की। इस दौरान एनकाउंटर किया गया। द्वारा अचानक पुलिस पार्टी को धक्का देकर के भागा और भागकर खड़हर में छुपे असलेह लेकर और उससे फायर किया गया। पुलिस द्वारा संतुलित रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश पर फायर किया गया, जिससे छन्नू कुरैशी सनाब दायल कुरैशी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे उपचार हेतु मनिहारी सीएचसी भेजा गया। गाजीपुर के बाद खबर झांसी से, जहां पर पुलिस एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ है। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। एनकाउंटर रक्सा थाना क्षेत्र में बाजना की पुलिया के पास हुआ। घायल बदमाश को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। घायल बदमाश मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला है। बदमाश डाबरा में ज्वेलर से 50 लाख की लूट की योजना बना रहा था। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी जो 2 बदमाश भागे हुए हैं इनकी तलाश की जा रही है, यथाशीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे घटना में FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस की गाड़ी पे और पुलिस के जवानों पे फायर किया है, कोई इंजरी है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा हमने बताया कि जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर इनके द्वारा फायर किया गया, जिसमें पुलिस की गाड़ी पर भी फायर लगा हुआ, जिसमें गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। उन्नाव में शराब के नशे में एक शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नशेड़ी पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और ये तमाशा देखकर लोग घबरा भी गए। नतीजा ये हुआ कि शराबी को नीचे उतारने की पुलिस की तरफ से कोशिश शुरू हुई, जब पुलिस को यहाँ बुलाया गया। पुलिस ने काफ़ी देर तक इस शख्स को समझाया, नशेड़ी को पानी की टंकी से नीचे उतारा। मामला उन्नाव जंक्शन का है। उधर बुलंदशहर में कल बस और पिकअप में जबरदस्त टक्कर हुई थी। मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, 26 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस खबर पर संज्ञान लिया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे और एक एक मरीज से मुलाकात उन्होंने की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की है। केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम योगी जैसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूछा कि देश में योगी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में विकास कार्य कर रही है। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या?
देश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए? यूपी बीजेपी की सदस्यता अभियान के लिए कल लखनऊ में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सीएम योगी इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और सदस्यता अभियान प्रभारी विनोद तावड़े भी इस संबोधन को सुनते हुए नजर आए। साथ में उन्होंने भी संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल वर्कशॉप में शामिल हुए। डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी वर्कशॉप में शामिल हुए। पार्टी सदस्यता अभियान के लिए रणनीति बनाएगी। करीब 1500 से ज्यादा पदाधिकारी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। तो ये बेहद भी महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं यूपी बीजेपी की सदस्यता अभियान के लिए जो लखनऊ में कल वर्कशॉप का आयोजन किया जाना है, ये बेहद महत्वपूर्ण वर्कशॉप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं।